विसाखी 13 अप्रैल के दिन से शुरू होने वाला ये इलाकाई त्यौहार, जिसमें पंजाब के सारे रंग, सकाफत और खुशियाँ इकट्ठी नजर आती थी, जिसे मजहब और रंग नस्ल की कोई कैद नहीं थी। एक सा ढोल बजता, मुख्तलिफ रंगों से रंगे कपड़े पहने जाते, रवायती लिबास पहना जाता, ढोल की धाप पे खूब भंगड़े डाले जाते, लुडियाँ डाली जाती, पकवान बनते, गुड़ वाले चावल, आटे का हलवा, मीठी देसी घी वाली रोटियां बनती, इकट्ठे खाया जाता। कनकां दी मुक गई राखी, सबनू मुबारक विसाखी। कनक कटाई जाती, ढोलची ढोल बजाता, बोली बोली डालता, और कटाई वाले कटाई करते। बोली वाले गाते, ढोलची ढोल बजाते, और कटाई वाले जोशो जज्बे से कटाई करते, ना थकते। लस्सी मक्खन घी की चूरियां, मकई की रोटियां, बस साथ चलती सब खाने, और रवायतें तो साथ साथ चलती, खुशियां मनाती नजर आती। लेकिन एक चीज नजर ना आती, वो थी नफरत। रंग नस्ल से पाक मजहब के भी कोई कैद ना थी। मोहब्बत होती, भाईचारा होता। मेरी दादी जान बताती हैं, विसाखी की तैयारी 80 दो दो महीने पहले शुरू कर देंदे सी। पुत्तर असी मुसलमान, और सिख, हिंदू, ईसाई कोई नहीं सी दिखदा। बस सब एक दूजे नूं वीर जी, भैण जी, बेबे, अब्बा जी ते बापू जी कहंदे सी। ओह वेला बड़ा चंगा सी पुत्तर, फिर वंडियां पै गईयां। असी मुसलमान इत्थे, ओह सिख, हिंदू अपने वतन नूं छड के विदेश विच जा बसे, ते इलाके दे नाल नाल सकाफत भी वंडी गई। भाईचारे विच लिक्कां खिचियां गईयां, मंडी पाई ते खुशियां वंडियां गईयां। पुत्तर हुण बंदे पर हर पासे नजर आंदे ने, हसदे नहीं, जेंदे नहीं, खुश नहीं रहंदे। पैसा बहुत है, सुकून नहीं है। आज यही है, हर तरफ गंदम की कटाई आज भी है। शायद गंदम पहले से ज्यादा होती है, लेकिन आज वो विसाखी नहीं होती, कटाई होती है। ढोल बजाए जाते हैं, भंगड़े पकवान नहीं होते।